इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, सबसे बड़ी और दुख भरी खबर, जो कल शाम हमने देखा कि जिंदल में आग लगी थी, उसमें एक नया पहलू सामने आया है। जी हाँ, जिसमें कई सारे हाउस बोट जो है जल के राख हुए, जिसमें माली नुकसान हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उसमें तीन जो टूरिस्ट है, जो फॉरनर टूरिस्ट तीन है, उनकी जान भी चली गई। यानी कि कल शाम से लेकर सुबह तक अभी कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं था कि इसमें से तीन फॉरनर जो है वो अपनी जान गवा बैठे। आप तक ये मजीद इतला हम तक जो है पहुंचाएंगे। जो तीन टूरिस्ट है वो बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। आज एसडीआरएफ ने अभी क्लेम किया है कि तीन टूरिस्ट की इसमें जान चली गई है। जिले डल के जो आगजनी का वाकया था, उसमें तीन टूरिस्ट अपनी जान गवा बैठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सुबह से आखिर इनका कोई अता पता मालूम क्यों नहीं किया गया। जिस हाउस बोट में जहां पर ये मुकीम थे या क्या कर रहे थे, इनको सुबह से क्यों नहीं ढूंढा गया। लेकिन आज एसडीआरएफ की दाद देनी होगी। पुलिस ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है हम कहेंगे सर्च शुरू की, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जो एसडीआरएफ का डॉग स्क्वाड है उन्होंने स्पॉट किया, उनको स्मेल आया, तो उसके बाद तीन बांग्लादेशी टूरिस्ट जो है वो झील डल के आगजनी में अपनी जान गवा बैठे। सबसे दुखद भरी खबर, सबसे बड़ी खबर झील डल के उस आग के हादसे की आप तक पहुंचा रहे, जो शाम को आग लगी, जिसमें कई सारे हाउस बोट जो है वो जल के खाक हो गए। लेकिन सबसे बड़ी दुख की खबर, जो हमारे यहां मेहमान तीन आए थे बांग्लादेशी, वो भी इस आगजनी की वाकया में, इस हादसे में अपनी जान गवा बैठे। ये मजीद जो इत्तलात है, जो तफसीलात है, हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे। एक तो जानी नुकसान भी वहां पे हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। अभी ये इंशर रिपोर्ट है, इंशर रिपोर्ट में कहा गया शायद ये बांग्लादेश से बिलोंग कर सकते हैं ये तीन टूरिस्ट, लेकिन ये तीन टूरिस्ट बताए गए जिनकी मौत वाकया हुई है।